Hello kids, today we are going to start chapter 1 of geography, resources, importance and uses. Ki resources kya hain, unke importance kya hain and unko use kahan pe, ya unke uses kya hain. So the substances provided by nature which satisfy our basic needs and are used by us in various forms are known as resources. Ki aisa cheeje jo nature hame deta hai और उससे उन उस चीजों से हम अपनी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी करते हैं और उन वो जो चीजें हैं वो हमसे यूज की जाती हैं उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं. तो बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर मिनरल सोइल एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस एंड दे हैव यूटिलाइज देम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. कि हमारे पास बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, एयर है, वाटर है, मिनरल सोइल एक्सेट्रा जो हम ह्यूमंस एज ए ह्यूमन हम यूज करते हैं और उसे यूटिलाइज अच्छे तरह से उसे यूटिलाइज भी करते हैं. जब हम यूटिलाइज करते हैं इनको बेस्ट मैनर में तो क्या होता है कि लोट ऑफ वेस्टेज होती है. बट विद टाइम टाइम के साथ हमने क्या कर लिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने बना ली है जिसकी वजह से जो वेस्टेज पहले जो ज्यादा होता था वो अब कम होने लग गए हैं. नेचर हैज प्लेंटी रिजर्व बट इट इज द स्किल ऑफ ह्यूमन बींग विच कैन फर्दर लेट टू डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज. की नेचर जो है उसके पास काफी चीजें हैं बट उसके बाद में हमारा ह्यूमन्स का काम आता है. हम ह्यूमन बींग क्या करते हैं, हम उसमें बहुत सारे चेंजेस करते हैं जिसके वजह से उसे डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकली उसे यूटिलाइज करते हैं. अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड मेक द लाइफ कम्फर्टेबल. दे स्टार्टेड यूजिंग ट्रीज फॉर वुड ऑन सोइल, दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फूड एंड देन दे स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल. कि पहले के जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो क्या करते थे, वो अपने रिसोर्सेज को अपने हिसाब से लेते थे, ठीक है. एंड वो जो है उसके बाद में धीरे धीरे वो भी चेंज होने लगे. ट्रीज जो थे वो पहले खाने वगैरह ऐसी चीजों के लिए जाता था और अब मतलब बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ वो वुड के लिए ट्रीज को यूज करने लगे, सोइल को क्रॉप्स उगाने के लिए यूज करने लगे, मिनरल्स को भी एक्सट्रैक्ट करने लगे वो. इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज दे मेड मशीन एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग. लास्ट फ्यू सेंचुरीज में जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हमने मशीन्स बनानी शुरू कर दी और हमने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया गुड्स को. दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम नेचर. हमने क्या किया कि अब हम वेल्थ बनाना शुरू कर दिया नेचर से. जैसे कि वुड है तो वुड को हम काट के और हम पेजेस वगैरह बनाएंगे तो जो फैक्ट्रीज होंगी जो पेजेस बनाएंगी उन्हें बहुत अच्छी वेल्थ मिलेगी. तो उन्होंने नेचर से वेल्थ बनानी शुरू कर दी. हेंस वी कैन कंक्लूड दैट एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू सर्टिफाई ह्यूमन बींग्स नीड एज अ रिसोर्स. रिसोर्स क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज जिसे जिसे ह्यूमन बींग की जो नीड है वो पूरी हो सके तो उसे रिसोर्स कहते हैं. Let us look at the few example of these resources such as water which not only satisfy our basic need but also provide electricity which is generated from the energy of falling water. कि जो water है पहले हम मतलब अब भी पानी के लिए use होता है ताकि हम पानी पिए उसे, ठीक है. But अब धीरे धीरे क्या होने लग गया है, अब धीरे धीरे मतलब अब वो electricity के लिए भी उसे use किया जाने लग गया है, electricity बनाने के लिए. Wind जो है वो पहले हवा सीधी हवा थी but अब क्या होने लग गया, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी विंड का यूज होने लग गया विंड मिल्स के रूप में. मतलब विंड मिल्स जो है वो लगाए जाते हैं एंड उससे जो विंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है. द नीड एंड ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग आर इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड सो इज नेचर बींग एक्सप्लॉइटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट. द नॉलेज एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन इज बाउंडलेस बट द डेंजर ऑफ ग्रीड इज डैमेजिंग द इन्वायरमेंट. कि नीड भी है और ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच, कि इंसान की नीड भी है और वो लालच भी करता है और उस लालच की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारी जो धरती है हमारा जो नेचर है वो डिप्लीट होता जा रहा है, वो उसे एक्सप्लोइट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं. द नॉलेज अब की ह्यूमन बींग्स जो हैं उनकी जो नॉलेज है उनकी क्रिएटिविटी है उनका दिमाग है वो बढ़िया है भाई. मतलब वो बढ़िया है ताकि वो बाउंडलेस डेवलपमेंट कर सकते हैं, लिमिटलेस डेवलपमेंट कर सकते हैं. बट वो एक डेंजर है, उनका जो ग्रीड जो है उनकी जो लालच है वो एक डेंजर है इन्वायरमेंट के लिए. द बैलेंस ऑफ नेचर इज ऑल्सो डिस्टर्ब्ड. हेंस सर्टेन अल्टरनेटिव वेज एंड मीन शुड बी कंसिडर टू प्रिजर्व एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर. कि बैलेंस ऑफ नेचर जो है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि हम एक्सप्लोइट कर रहे हैं नेचर को. बहुत सारे अल्टरनेटिव वेज हैं, बहुत सारे वेज हैं, मीन्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं नेचर को क्या कर सकते हैं प्रिजर्व कर सकते हैं एंड मेंटेन कर सकते हैं.
वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ रिसोर्स इज नोन एज वैल्यू ऑफ द सेम, कि कोई भी चीज का जो वर्थ है, वर्थ मतलब उसकी कोई भी चीज की वैल्यू जो है, कोई भी चीज उसकी यूज जो है वो बढ़िया है, या मतलब उसकी जो वैल्यू है उसे क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द रिसोर्स. द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्स कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. द काइंड ऑफ वैल्यू में डिफर फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर. इसमें ये है कि जो वैल्यू है रिसोर्स की, कोई भी चीज की, कोई भी रिसोर्स की जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम वेरी करते हैं, प्लेस टू प्लेस. मतलब कि पिछले टाइम में या पिछले जो जब ह्यूमन बींग्स आए थे तो उस रिसोर्स की कोई वैल्यू नहीं हो सकती या नहीं थी, बट अब उसकी है. एंड प्लेस टू प्लेस मतलब कि झारखंड वगैरह वहां पे, या कोई भी प्लेस में, कोई भी अलग जगह, अपने से अलग जगह जहाँ पे, वहां पे इसकी रिसोर्स की अलग वैल्यू हो सकती है और यहाँ पे कुछ अलग हो सकती है. द काइंड ऑफ वैल्यू जो है वो डिफर करती है एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स पे. मतलब एक रिसोर्स ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है और दूसरा कम हो सकता है. वन रिसोर्स माइट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, वेयर हैज अदर मे हैव एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू. कोई भी एक रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है और दूसरे कोई रिसोर्स की एस्थेटिक, मतलब की ब्यूटी, ब्यूटी की कोई मतलब वो अगर सुंदर है तो उसकी वैल्यू होगी, या नेचुरल वैल्यू हो सकते हैं. जैसे कि वाटरफॉल जो है वो एक एस्थेटिक वैल्यू है, मतलब वाटरफॉल बहुत सुंदर होता है तो उसकी एस्थेटिक वैल्यू है, बट जब वो जनरेट करने लग जाए इलेक्ट्रिसिटी तो उसकी क्या हो जाती है, इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं. देर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कि टाइम के साथ जो काफी रिसोर्सेज हैं जो कि इकोनॉमिक बन सकते हैं. जैसे कि पहले वाटरफॉल था, तो पहले वाटरफॉल सिर्फ पानी या नहाने, मतलब पानी के एक सोर्स होता था, बट अब धीरे धीरे विद टाइम क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी काम आने लग गया. द टू मेन फैक्टर दैट कैन चेंज एनी सब्सटेंस इनटू रिसोर्स आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी. ये वही बात होगी कि टाइम के साथ कोई भी चीज रिसोर्स बन सकती है एंड टेक्नोलॉजी के साथ बन सकती है. बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल हु आर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ह्यूमन बींग्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है नेचर के, ठीक है. और ये जो रिसोर्सेज की जो ये डेवलपमेंट है, मतलब कोई भी रिसोर्स कभी भी चेंज हो सकता है, इकोनॉमिक बन सकता है, एस्थेटिक बन सकता है, तो वो कैसे है कि जब पीपल की जैसी नीड होती है वो वैसे ही करेगा. द आइडियाज, नॉलेज, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, कि उनके आइडियाज, नॉलेज वो डिस्कवरी करते हैं, इन्वेंट करते हैं, उसकी वजह से नए रिसोर्सेज बनते हैं. सिंस अर्ली डेज वन डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर डिस्कवरी ऑफ फायर लेट टू कुकिंग प्रैक्टिस, कि पहले के दिनों में जब फायर मतलब आग का उन्हें पता नहीं था तो उन्होंने क्या किया, एक इन्वेंट की, आग इन्वेंट की, उन्हें डिस्कवरी किया, कि इन्वेंट नहीं की थी, डिस्कवरी किया, कि जिसकी वजह से वो अब खाना बना सकते थे. इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील का इन्वेंशन जो था वो यूजफुल है. अब जो हम मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज करते हैं, जैसे कि ट्रेन्स हो गई, जहाँ मतलब कोई भी व्हीकल जिसपे व्हील लगा होता है, तो उसके लिए वो चीज जो आज व्हीकल जो है उसे उसे इन्वेंट करने के लिए हमें व्हील्स चाहिए थे. हेंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स एंड आर द ह्यूमन बींग हु हैव आइडिया, नॉलेज एंड स्किल विच हैज लेड टू वेरियस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स नेचर का वो क्या है, ह्यूमन बींग, जो कि अपने आइडियाज, नॉलेज, स्किल से कोई भी रिसोर्स को वैल्यूएबल बना सकते हैं. अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तीन तरह के रिसोर्सेज होते हैं. नेचुरल होते हैं जो नेचर से होते हैं, ह्यूमन मेड जो ह्यूमन बनाए, ह्यूमन बनाता है, और ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है. नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम फ्यूचर एंड फ्रॉम नेचर आर वैल्यूएबल एंड फुलफिल आर नीड्स इन वन वे और द अदर, सच एज लैंड, एयर एंड दिस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, के ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर देती है, जो हमें प्रकृति देती है और जो वैल्यूएबल बहुत होते हैं और वो हमारी नीड जो है वो फुलफिल करते हैं कोई भी एक या दूसरे तरीके से, जैसे कि लैंड, एयर एंड वाटर, ठीक है. द एयर वी ब्रेथ, द सॉइल वेयर वी ग्रो, द वॉटर विच वी हैव इन आर लेक, पॉन्ड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब कि एयर, सॉइल, वाटर, लैंड वगैरह, ये सारी की सारी जो है ये बहुत ज्यादा प्रीशियस रिसोर्सेज हैं. अब इनका नीचे क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन चार तरह का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट, एक्चुअल एंड पोटेंशियल, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, की वो कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी, की वो वापस रिन्यू हो सकते हैं या नहीं, तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, लोकलाइज एंड यूबिक्योशियस. यूबिक्योशियस का क्या मतलब होता है, कि हर एक जगह वो फाउंड हो, मतलब मिल जाते हैं.
ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के बेसिस पे एक्चुअल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन आर एक्चुअल रिसोर्सेज, दे आर बीइंग एक्चुअली यूज्ड इन द प्रेजेंट टाइम. सम एग्जांपल कौन से हैं? पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, मतलब एक्चुअल रिसोर्सेज वो है जिनकी क्वांटिटी हमें पता है कि इस जगह पे इतनी इतना जो रिसोर्सेज है वो है यहाँ पे, ठीक है. तो वो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है. और वो जो है वो प्रेजेंट टाइम, इस टाइम पे वो यूज हो रहे हैं. कुछ एग्जाम्पल जो है वो पेट्रोलियम वेस्ट एशिया में, रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूहार रीजन ऑफ जर्मनी, डार्क सोइल ऑफ डीकैन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र. अब है पोटेंशियल रिसोर्स. पोटेंशियल रिसोर्स में क्या है कि द रिसोर्सेज उस क्वांटिटी इज नॉट ऑन एंड विच आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट आर कोल्ड. पोटेंशियल रिसोर्सेज की जिसकी क्वांटिटी हमें अभी पता नहीं है कि वहां पे कितनी कितना रिसोर्स, मतलब कितनी चीजें वहां पे हो सकती हैं, एंड जो अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे यूज नहीं हो रहे. दे माइट नॉट बी यूज प्रेजेंट बट कैन बी यूज इन फ्यूचर, कि वो अभी नहीं बट फ्यूचर में जरूर यूज होंगे. कि इसका एक रीजन हो सकता है कि वो प्रेजेंट में क्यों नहीं यूज हो रहे, क्योंकि अगर हमारे शायद हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो उतनी उतनी एडवांस्ड हो कि उस रिसोर्स को हम प्रेजेंट टाइम पे यूज कर सकें. एग्जाम्पल्स पोटेंशियल रिसोर्सेज के हैं रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख. लद्दाख में जम्मू कश्मीर वाला ऊपर वाला जो एरिया है वहां पे, जो लद्दाख रीजन है उसका यूरेनियम जो है, रिजर्व्स यूरेनियम के वो जो है वो फ्यूचर में यूज हो सकते हैं. इन अर्ली टाइम्स हाई स्पीड विंड मिल्स वर अ गुड पोटेंशियल रिसोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड हैज नाउ बिकम एन एक्चुअल रिसोर्स. कि पहले हाई स्पीड विंड मिल जो थी पहले के टाइम पे वो एक अच्छी पोटेंशियल रिसोर्स थी, मतलब कि वो आगे फ्यूचर में यूज होने वाली थी, बट एट प्रेजेंट टाइम में क्या हो सकते हैं, वो एक्चुअल रिसोर्स है, मतलब अब वो यूज हम कर रहे हैं. विंड फार्म्स हैव डेवलप्ड इन नीदरलैंड. नीदरलैंड में विंड फार्म जो है वो डेवलप हुए हैं. इन इंडिया नेगर कोइल इन तमिलनाडु एंड गुजरात कोस्ट पे भी विंड फार्म जो है वो स्टेब्लिश हुए हैं, लॉन्च हुए हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कि नेचुरल रिसोर्स, ओरिजिन मतलब कैसे वो कहाँ से आए नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है. वो बायोटिक एंड अबायोटिक, बायोटिक में कौन क्या है कि द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बायोटिक, की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो भी जी रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, उनसे जो रिसोर्सेज आ रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, बायोटिक रिसोर्सेज. जैसे कि प्लांट्स फ्रॉम विच वी ऑब्टेन सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सारी चीजें जो है ये हम प्लांट से लेते हैं, तो प्लांट जो है एक बायोटिक रिसोर्स है. फिश और अदर एनिमल प्रोडक्ट जो है वो भी बायोटिक रिसोर्स होते हैं. अब है अबायोटिक रिसोर्स. अबायोटिक रिसोर्स में क्या होता है कि जहां से हम नॉन लिविंग बींग से रिसोर्स जो है वो हमें मिलता है, नॉन लिविंग बींग से. एग्जाम्पल्स अबायोटिक के हैं जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, मिनरल, रॉक एक्सेट्रा. सम ऑफ दिस रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज. की अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है वाटर, एयर, लैंड, मिनरल, रॉक, और ये जो है इनमें से कुछ जो है वो सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में ही हमारे पास है. अब ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो जो है वो वापस से रिन्यू हो सकते हैं या रिप्लेनिश्ड हो सकते हैं, मतलब उसे हम वापस से रिन्यू करा सकते हैं, कि वापस उसे ला सकते हैं. तो ये जो है ये दो में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस. कि हम ऐसे रिसोर्सेज जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, वापस से ला सकते हैं, अगर वो एक बार खत्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सम ऑफ दिस रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड इन नेचर एंड कैन नॉट बी अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज. की कुछ रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड है, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होते. एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी. बट द स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज सच एज सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट कैन बी डिप्लीटेड इफ वी यूज देम केयरलेसली एंड रेकलेसली. मतलब कि जैसे कि सॉइल है, वाटर है, फॉरेस्ट है, अगर हम उसका, मतलब वो नॉन रिन्यूएबल तो है बट सॉरी रिन्यूएबल तो है, मतलब उसे वापस कर सकते हैं, बट इसमें क्या चीज है कि अगर हम उसे केयरलेसली एंड रेकलेसली यूज करेंगे तो वो बहुत जल्दी ही डिप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. सिमिलरली ऑल द वाटर इज एन अनलिमिटेड रिसोर्स. कि वाटर जो है वो भी एक अनलिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, बट शॉर्टेज और ड्राइंग, वाटर की ड्राइंग अप की वजह से मतलब ओवर यूज करते हैं हम, पॉल्यूशन होता है वाटर में, मिसयूज, वाटर बॉडीज का मिसयूज करते हैं, इस वजह से क्या होता है कि शॉर्टेज आ जाती है वाटर में, या फिर जो वाटर है वो ड्राइंग अप होने लग जाता है, सूख जाता है, तो उसकी वजह से जो वाटर जो है वो खत्म हो सकता है. अब है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है कि ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड है हमारे पास, मतलब अगर वो एग्जॉस्ट हो भी गए, इफ दे गेट एग्जॉस्टेड, तो वो उन्हें
हजारों साल लग जाएंगे वापस आने में या रिन्यू होने में. दिस रिसोर्सेस कैन नॉट बी रिन्यूड, कि एक बंदे की जो लाइफ स्पैन है, लाइफ टाइम है, उसमें वो जो रिसोर्सेज है उसे आने में एक बंदे की पूरी लाइफ चली जाती है. सो वन वंस एग्जॉस्टेड दे कैन नॉट बी रिन्यूड सून, जल्दी से वो नहीं आ सकते, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. अब नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन पे है कि देर आर सम रिसोर्सेज जो हमें हर एक जगह मिल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें कुछ खास जगह पे, पर्टिकुलर एरियाज पे मिलते हैं. तो उसके उसके आगे क्लासिफिकेशन है लोकलाइज रिसोर्सेज. लोकलाइज रिसोर्सेज में क्या होता है कि दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन, मतलब कि कुछ ही पर्टिकुलर रीजन पे हमें, कुछ एक ही जगह पे हमें मिलते हैं, हर एक जगह पे हमें नहीं मिलते. जैसे कि मिनरल्स एंड ऑयल, की जैसे मिनरल्स जो हमारे पास हैं, तेल हमारे पास जो है वो हमें एक स्पेसिफाइड जगह पे ही मिलता है, मतलब हर एक जगह पे हमें नहीं मिलता. द डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन वेरियस फिजिकल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, टेरेन एंड एल्टीट्यूड, मतलब कितनी एल्टीट्यूड है जहां भी हम हैं, तो उसकी कितनी एल्टीट्यूड है, कितना टेरेन है, क्लाइमेट कैसा है, उस हिसाब से हमें उसकी अवेबिलिटी होती है, मतलब ये जो रिसोर्सेज हैं, लोकलाइज रिसोर्सेज है, वो मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिनरल सच एज कोल एंड आयरन. जो मिनरल जैसे कि कोल और आयरन जो है वो सिर्फ बिहार, मतलब मोस्टली बिहार एंड ओडिशा में फाउंड होते हैं, बिकॉज ऑफ कि उनका क्लाइमेट सुटेबल होगा, टेरेन सुटेबल होगा, एल्टीट्यूड सुटेबल होगा. अब एबिक्विटिस रिसोर्सेज, एबिक्विटिस यूबिक्विटिस रिसोर्सेज में क्या है कि दिस रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ सर्फेस, हर एक जगह पे हमें ये रिसोर्सेज मिल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर और सनलाइट. एयर, वाटर, सनलाइट हमें हर एक जगह पे मिल जाती है, मतलब धरती की हर एक जगह पे मिल जाती है. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, द नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल रिसोर्सेज व्हेन द ओरिजिनल फॉर्म हैव बीन चेंज, कि जब नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो तभी यूजफुल बनते हैं जब उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो एक यूजफुल फॉर्म में चेंज हो जाए. ऑल द नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम अ रिसोर्स व्हेन ह्यूमन बींग चेंज द ओरिजिनल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दे स्किल एंड टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर इन इट्स नेचुरल फॉर्म वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल एंड अनलेस मैन लर्न टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट. द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एंड यूज बाई ह्यूमन टू डू सो इज ह्यूमन मेड रिसोर्स. इसमें ये है कि जब ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो जाती है तो ह्यूमन जो है वो उसके ओरिजिनल फॉर्म चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किल एंड टेक्नोलॉजी, उनकी स्किल एंड टेक्नोलॉजी की वजह से. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आयरन ओर है, आयरन की जो होती है ओर, उसमें क्या है कि वो एक नेचुरल फॉर्म है, और उसमें जो ह्यूमन बीइंग है वो काफी चेंजेस ला के लेता है और उसमें से फिर आयरन एक्सट्रैक्ट करता है. तो ये जो टेक्नोलॉजी है जो डेवलप हुई है एंड क्या हुआ है, यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, और ये ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं, इसे क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस. अब है ह्यूमन रिसोर्सेस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट रिसोर्स जो है वो ह्यूमन बीइंग है, नेचर का. इट इज ह्यूमन बीइंग हु यूज देयर स्किल, नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड लेबर टू यूटिलाइज रिसोर्स. एक रिसोर्स को यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने स्किल, नॉलेज, टेक्नोलॉजी को यूज करता है. देयरफॉर पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, इसलिए जो पीपल है वो ह्यूमन रिसोर्स है. डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन मेनली डिपेंड ऑन हाउ दे आर यूटिलाइजिंग देयर अवेलेबल रिसोर्सेज. इट इज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग दैट इट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. कि इसमें क्या है कि जब कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन की जो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है उसका वो इकोनॉमिकली फ्लरिश हो रहा है, तो क्या है कि जो उसके ह्यूमन बींग्स हैं, उसके पीपल है उस कंट्री के, वो अगर अवेलेबल है रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज करने में, तभी जो उसकी इकोनॉमी जो है वो ये फ्लरिश होगी. और ये जो है ये एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट है ह्यूमन बीइंग का, और मतलब चेंज वो यूटिलाइज करते हैं. तो ये जो यूटिलाइज करने का जो तरीका है वो कहाँ से आया, वो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट से आया, एंड उसे क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अब रिसोर्स कन्वर्जेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब है कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, ज्यादा ओवर यूज नहीं करना चाहिए. द रिसोर्सेज शुड बी यूज केयरफुली एंड जुडिशियली सो दैट दे आर नॉट एग्जॉस्टेड. की रिसोर्सेज जो है उसे केयरफुली एंड जुडिशियसली यूज करना चाहिए ताकि वो खत्म ना हो. इफ वी आर एक्सप्लोरिंग दिस रिसोर्सेज देन वी शुड गिव देम टाइम फॉर रिन्यूअल. अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने उस रिसोर्स को एक्सप्लोइट कर दिया, खत्म कर दिया, तो हमें उसे प्रॉपर टाइम देना चाहिए ताकि वो वापस रिन्यू हो जाए. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम जो है एक नेचुरल रिसोर्स है एंड एक फॉसिल फ्यूल है.
जो क्या करता है, डेथ मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल से एक जो मरा हुआ प्लांट प्लांट का मटेरियल या एनिमल का मटेरियल जो अर्थ के अंदर बरिड है, मतलब जिसको अर्थ के अंदर दफनाया गया है, उसे मिलियंस लग जाते हैं पेट्रोल बनने के लिए। हीट और प्रेशर अर्थ का जो है, अर्थ को, अर्थ जो है अंदर की अर्थ अंदर सरफेस जो है वो क्या करता है, एक्सर्ट करता है हीट, करता है हीट एंड प्रेशर उस मटेरियल को करता है ताकि वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाए। इट इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स यूज फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लेड टू एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज विच कैन लेड टू दे एग्जॉशन। इफ पेट्रोलियम इज एग्जॉस्टेड इंडस्ट्रीज विल शट डाउन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल अफेक्टेड। इसमें ये है कि पेट्रोलियम जो है वो बहुत यूजफुल है ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज के लिए। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एक्सेसिव यूज करता है रिसोर्सेज का, इसकी वजह से रिसोर्सेज जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। और अगर पेट्रोलियम खत्म हो गया तो इंडस्ट्रीज जो है वो भी बंद हो जाएंगी क्योंकि वो उसके ऊपर चलती हैं। एंड अगर इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो ट्रांसपोर्ट के लिए हमें मतलब ट्रांसपोर्ट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और जो हमारी लाइफ जो है वो एक स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी, मतलब रुक जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हेन वी बैलेंस द यूज ऑफ रिसोर्स विद द अवेबिलिटी एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन, इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि जब कोई भी रिसोर्सेज जो है उसको हम यूज करें उसकी अवेबिलिटी देखें, मतलब कि वो कितना हमारे पास है उसके हिसाब से हम उसे यूज करें। अगर थोड़ा है तो थोड़ा यूज करो, इस हिसाब से अगर यूज करें एंड उसे कंजर्व बचाएं फ्यूचर जनरेशन के लिए तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। आर अर्थ हैज गिफ्टेड अस विद वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, हेंस इट इज आर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट वी बैलेंस द यूज ऑफ रिसोर्स फॉर फ्यूचर। हमारी जो अर्थ है, हमारी धरती है, उसने क्या किया है, गिफ्ट किया है हमें नेचुरल, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को गिफ्ट किया है। और वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारी बेसिक नीड्स पूरी करते हैं और इसलिए हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मतलब एक जन्म से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या करें, जो रिसोर्सेज हैं उसे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए बचा के रखें। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी नीड टू रिड्यूस कंजप्शन, रिसाइकल एंड रीयूज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें रिड्यूस करना चाहिए, जितना भी हम कंज्यूम कर रहे हैं मटेरियल को, रिसोर्सेस को, उसे रिड्यूस करना चाहिए, उसे रिसाइकिल करना चाहिए एंड उसके बाद में वापस रीयूज करना चाहिए। जैसे कि रिड्यूस, अब रिड्यूस में क्या होता है कि द कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज कोल एंड पेट्रोलियम सेक्टर शुड बी रिड्यूस बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कार पूल। रिड्यूस मतलब कंजप्शन, जो हम ले रहे हैं जितनी रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं उसे कम करना चाहिए। हम कम कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमें कोल या पेट्रोलियम को बचाना है जो कि एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब जल्दी से वो रिन्यू नहीं होगा, तो अगर उसे हमें बचाना है तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मतलब कोई भी एक ह्यूमन बीइंग या है तो वो एक कार में एक ही बंदा होता है, तो उस कार का बहुत सारा पोटेंशियल जो है वो मतलब बेकार में जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो उसके बजाय वो क्या कर सकता है, वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस वगैरह में जा सकता है। तो उसके इस एक्शन से क्या होगा कि बहुत सारा जो रिसोर्स है वो बचेगा। रिसाइकल, रिसाइकल में क्या है कि सर्टेन प्रोडक्ट सच एज ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स कैन बी रिसाइकल्ड इनटू पेपर, कि हम रिसाइकल करवा देते हैं। जैसे कि हमारे पास जो रैग पिकर्स आते हैं, जो कबाड़ी वाले आते हैं, हम उसे उन्हें ये जो हमारा मटेरियल है जो हम यूज नहीं करते और तो वो हम देते हैं, तो वो क्या करता है उसे रिसाइकल करवाता है और वही जो मटेरियल है वो एक नई नया रूप लेके, नई आइडेंटिटी लेके हमारे मार्केट में आता है और हम वापस उसे रिसाइकल करते हैं, मतलब वो रीयूज कर लेते हैं। रीयूज में क्या है कि पेपर बैग और क्लॉथ बैग, जैसे कि हमारे पास लिफाफे होते हैं, पेपर बैग होते हैं, क्लॉथ बैग होते हैं, तो हम उसे एक बार यूज करके और फेंक देते हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें उसका वापस यूज करना चाहिए जब तक उसकी जो पोटेंशियल है वापस यूज करने की उसकी रही। अब प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या एम्स हैं उसके, रिड्यूस एंड मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज जो है वो उसे कम करे, उसे डिप्लीट अगर वो हो रहा है, खत्म हो रहा है तो उसे भी कम करे। ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ शुड बी टेकन केयर एंड शुड बी रिस्पेक्टेड, कि जितने भी धरती पे हमारे पास जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है,
से कि हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम खुद ह्यूमंस हैं, तो हमें सब की केयर करनी चाहिए एंड सबको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ हमें देते हैं। जैसे एक छोटी सी चींटी है तो वो भी हमें कुछ ना कुछ देती है, वो हमारे फ्यूचर में बहुत काम आती है। आर एटीट्यूड शुड चेंज टूवर्ड इन्वायरमेंट एंड वी शुड टेक केयर ऑफ एयर सोयल, कि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो इंटेंशन है इन्वायरमेंट को लेके, वो चेंज होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। हमें उसे इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, उसकी टेक केयर करनी चाहिए। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ शुड बी अलाउड टू फ्लरिश ऑन अर्थ, कि हर एक लाइफ फॉर्म जो उसे अलाउ करना चाहिए फ्लरिश करे अर्थ पे, मतलब उसे किसी को भी मारना नहीं चाहिए, किसी को मतलब हर एक की केयर रखनी चाहिए हमें। दैट इज वी शुड कंजर्व डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, कि जितनी भी जीव जंतु हमारे पास अर्थ में बचे हुए हैं तो उनकी क्या करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि वो रहें। क्योंकि हर एक इकोसिस्टम में यही होता है कि हर एक, या फूड चेन आपने पढ़ी होगी कि उसमें छोटी से छोटी अगर इंसेक्ट भी है तो वो भी हमारे लिए बहुत काम की चीज होती है। फिफ्थ है, द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम शुड बी मिनिमाइज्ड एंड इकोसिस्टम शुड बी अलाउड टू सस्टेन ऑन देयर ओन। इसमें है कि डैमेज नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम है, इन्वायरमेंटल सिस्टम, नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसे हम उसको डैमेज को, पोल्यूशन वगैरह जो है वो उसे डैमेज करता है इन्वायरमेंट को, तो उसे मिनिमाइज, पोल्यूशन को मिनिमाइज करना चाहिए ताकि डैमेज जो है वो भी कम हो। और इकोसिस्टम जो है उसे हम क्या करना चाहिए, सस्टेन ऑन दे ओन, मतलब हमें इकोसिस्टम के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भी जीव जंतु एक दूसरे को मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो करने दो, मतलब बीच में मत आओ, मतलब तुम मत मारो किसी को, मतलब इकोसिस्टम जो है उसे खुद पे ही अपना करने दो, तुम इंटरप्ट नहीं करो। ऑल द कम्युनिटी शुड रिस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट, हर एक कम्युनिटी, हर एक ग्रुप, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखे, उसे सिक्योर रखे, उसे रिस्पेक्ट करे, उसकी टेक केयर करे, तो यही जो है, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक मेजर वी कैन से स्टेप हो सकता है। तो दिस वॉज योर चैप्टर ऑफ जियोग्राफी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।